जिनके पंख नहीं होते वो हौसलों से उड़ान भरते हैं। इसकी तस्वीर दिखी देश की राजधानी दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से दिव्यांग बच्चे और बड़े आए। उन्होंने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति करी। दिव्य कला शक्ति एक ऐसा आयोजन है जो दिव्यांग बच्चों एवं बड़ों के हुनर को दिखाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इस कार्यक्रम की नींव 2019 में रखी गई थी, जिसे सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में दिखाया गया था, जिसके बाद इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि मंत्रालय द्वारा इसे क्षेत्रीय स्तर पर पूरे भारत में दिखाने की योजना शुरू कर दी गई। अभी तक भारत के अलग अलग राज्यों में इसे दिखाया गया है। वहीं 10 दिसंबर को दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों से दिव्यांग जन आए और एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति को दिखाया। उनके हौसले एवं हुनर को देखकर ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि सभी दिव्यांग इस तरीके से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे कि आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जिसके शरीर में दिव्यांग हो वो दिव्य शक्ति होता है, ऐसा खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी कहा। और जिस तरीके से जो गाने हैं वो गाए गए, सुरीले गाने जो गीत हैं वो गाए गए, और जिस तरीके से इन बच्चों ने अपना रंगारंग कार्यक्रम की जो प्रस्तुति दी वो बेहद काबिले तारीफ है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मंत्रालय के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही दिव्यांगों को लेकर, उससे दिव्यांग बच्चे जो हैं बेहद खुश हैं और इसलिए जो जागरूकता है वो पूरी तरीके से फैल रही है। एक तरफ समाज में दिव्यांग बच्चों को कमजोर लाचार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मंच है जो सिर्फ इन्हें के लिए ही बना है और ये कार्यक्रम में अपने हुनर को दिखाएं। ये दिव्यांग बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने माना कि इस कार्यक्रम से उनके भविष्य के लिए बेहद अच्छा जो भविष्य है वो तैयार होगा। एक नन्ही सी बच्ची जिसकी हाइट बेहद कम है वो पंजाब से इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर आई थी, वहीं इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित थी। और जिस तरीके की जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा किस तरीके से इस कार्यक्रम का जो प्रस्तुति है वो दी जा रही है, जाहिर सी बात है कि आम बच्चे हों चाहे दिव्यांग बच्चे हों, इनमें किसी भी तरीके से किसी भी प्रतिभा को लेकर कोई भी कमी नहीं। और इस वजह से इस कार्यक्रम की सराहना जो है खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी कह रहे हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया। और जो सचिव हैं राजेश अग्रवाल जी हाँ, उनके द्वारा भी बताया गया कि किस तरीके से देश के कोने कोने से यहाँ बच्चे आए थे और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, किस स्तर से ये काम जो है आगे चलेगा। इन तस्वीरों को देखिए, साथ ही साथ अब आपको कुछ गीत जो है वो सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो गीत हैं वो गाए गए जो कि आपके दिल को छू जाएंगे। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ को आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबरें जो है वो मिलेंगी। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ नादरा साहिन की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। सर, ये बच्चे जितने स्पेशल हैं इनके प्रस्तुति भी वैसे ही स्पेशल होगी, सर क्या कहेंगे? दिव्य कला शक्ति के माध्यम से हमारे समाज के ऐसे बच्चे, कोई बौद्धिक दृष्टि से या कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई शारीरिक दृष्टि से, तो ऐसे सारे बच्चों के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके लिए पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते थे उन सबको दरकिनार करते हुए दिव्यांग शब्द से संबोधित किया गया।
हर दिव्यांग के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। दिव्य कला शक्ति का आयोजन इसी दृष्टि से किया गया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और इन बच्चों को अपने कला का प्रदर्शन करने का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं देश के अलग अलग राज्यों से इसमें दिव्यांगजन आते हैं, उन राज्यों की कला संस्कृति उसकी भी अभिव्यक्ति यहाँ पर की जाती है और ऐसा लगता है कि सारा देश एक स्थान पर एकत्रित हो गया। समाज में दिव्यांगजनों के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कि हम सभी जैसे जैसे बाकी सामान्य लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, दिव्यांगजनों को भी उनको भी अपनी कला और संस्कृति का प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो। और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, दो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हुए, उसके बाद फिर चार कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए गए। अभी हमारा अगला कार्यक्रम गुवाहाटी में होने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद एक साउथ में करने वाले हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों के और भी ज़्यादा दिव्यांगजन बड़ी संख्या में इस दिव्य कला शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से इसमें शामिल हो सकें, अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर सकें, उनके अंदर जो आत्मविश्वास का भाव है उस आत्मविश्वास के भाव को, स्वावलंबन के भाव को और प्रखरता के साथ में आगे बढ़ाया जाए। आज सर यहाँ पे कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे? इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर से बच्चे आए हैं, यहाँ पर उत्तराखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, लद्दाख से आए हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, कई राज्यों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। अभी जम्मू में कटरा से बच्चे आए हैं, तो वहाँ के बच्चों को लेकर जो हमारे संचालक गण आए हैं वो मिलने के लिए आए, उन्होंने इतनी खुशी व्यक्त की कि बोले हमको इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार और हमारे यहाँ के बच्चे जो है ना, और धारा 370 खत्म होने के बाद आज हमको मतलब ये लग रहा है कि हम पूरे अखंड भारत के जो है ना, हम एक हिस्से हैं और हमको यहाँ पर दिल्ली में आकर हमारे वहाँ के बच्चों को इस दिव्य कला शक्ति के माध्यम से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने यहाँ देखा दिल्ली का एक बच्चा था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन जब राष्ट्रभक्ति से पूर्ण गीतों की प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही थी तो उसमें सारे राष्ट्रध्वज को लिए होते, उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन उसने अपने गले से जो है ना राष्ट्रध्वज को जिस उत्साह और रिदम के साथ में लेकर वो डांस भी कर रहा था, राष्ट्रध्वज के सम्मान को भी बनाने के रखने का काम कर रहा था। एक बेटी फरीदकोट से आई है, तनवीर, छोटी बच्ची है, और उसने पंजाबी उस पर बहुत अच्छा नृत्य किया। तो इन कार्यक्रमों में इतने तरह की विविधताओं को, हमारे देश के अलग अलग राज्यों की कला संस्कृति की विविध तरह की विविधताओं को और कला को, संस्कृति को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो लोग आए कार्यक्रम देखने के लिए उनको भी इन दिव्यांगजनों की प्रतिभा का एक स्थान पर देखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको जो है ना कार्यक्रम को और आगे करना चाहिए, तो हमने कहा इस कार्यक्रम को हम लगातार कर रहे हैं और क्षेत्रीय स्तरों पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में दिव्यांगजन जन कलाकार उनमें शामिल हो सकें, बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध हो। ऐसे आयोजक हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके मंत्रालय है, जो लोग इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजित किया है, उनके लिए क्या कहेंगे सर? हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारी जो टीम है, हमारे सचिव महोदय, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन, वो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है, उस संस्थान को यहाँ पर दिल्ली का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए उनको, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उप डायरेक्टर, उनको और उनकी जो टीम है उसको दायित्व दिया गया था। तो मंत्रालय और हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान के सारे अधिकारियों ने, पूरी टीम ने मिलकर जिस तन्मयता के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास किए हैं वो वास्तव में काफ़ी प्रशंसनीय है। और देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने में हम सब भी अपना योगदान दे पा रहे हैं, ये एक संतोष का भाव है कि इन कलाकारों को, उनके अंदर हम ये विश्वास का भाव पैदा करने में कि समाज उनके साथ में है, सरकार उनके साथ में है, आप अपने इन कदमों को लगातार बढ़ाइए, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में। मंत्रालय की तरफ से किस तरीके से और भी उनकी जो प्रतिभाएं उनको किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जाएगा? ये दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजन अभी हमने दिव्यांगजन शिल्प आयोजन का एक कार्यक्रम किया था, दिव्य कला मेला, उस दिव्य कला मेले में यहीं पर हुआ था, 2 तारीख को प्रारंभ हुआ था 7 तारीख तक, जिसमें देश भर के लगभग 200 दिव्यांगजन आए थे उस मेले में, उन्होंने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का
स्टॉल वहाँ पर लगाए थे, अलग अलग राज्यों की, मतलब उनके द्वारा निर्मित सामग्री थी, दरी थी, खेस थी, साड़ियाँ थी, लकड़ी के सामान थे और मोम के सामान थे, ज्वेलरी थी, तरह तरह के सामान थे। उसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की खाद्य सामग्री भी जो वहाँ पर बनाई जाती है उसके भी स्टॉल लगाए गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग न केवल मेलों में आए बल्कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदा। मैं कुछ स्टॉलों पर मैं तीसरे स्थान दिन जब पहुँचा था तो उनका सारा सामग्री बिक गई थी। ये समाज का उनके साथ में एक सकारात्मक सोच, उनके कदमों को उत्साह बढ़ाने वाला, और दिव्यांगजनों को इस सबसे बहुत प्रसन्नता हुई। दिव्यांगजनों के लिए विभाग के द्वारा स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़कर, स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है ताकि वो कौशल के साथ जुड़ सकें और उसके बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो हमारा जो दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, वो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से हम कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, और इस तरह के दिव्य कला मेले के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय के लिए स्टॉल भी उपलब्ध कराते हैं और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है ताकि देश के किसी भी राज्य में और देश के बाहर भी अपने सामान को बेच सकें। ठीक है सर, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हम बेसिकली जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं दिव्यांगों में वो सब प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पिछले एक हफ्ते से 3 तारीख को जैसे प्रेसिडेंट मैडम के हाथ से नेशनल अवार्ड्स दिए गए, फिर कर्तव्य पथ पे दिव्य कला मेला हुआ जिसमें दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने बहुत दिखाया। और जैसा आज आप सबने देखा कि तरह तरह की डिसेबिलिटीज़ वाले लोग थे और किसी में भी उत्साह की या प्रतिभा की कमी नहीं थी। तो इससे जो भी हम भी देखते हैं तो इट शेक्स यू टू द कोर कि हम जितना करना चाहिए इन लोगों के लिए, अपने समाज का ही हिस्सा है, हम क्या उतना कर रहे हैं। तो ये अपने को सोचने पे भी बाधित करता है और इनकी स्पेशल एबिलिटीज़ भी अपने तक पहुंचाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हम जगह जगह पे आयोजित करते रहें ताकि जितने सक्षम लोग हैं समाज के, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो सब भी सेंसिटिविटी उनमें आए और इस क्षेत्र में आगे और से ज़्यादा अच्छा काम सब कर सकें। सर, लगता है एक ही चैन के अंदर पूरे भारत को यहाँ पर फिरोया गया, एक माला बना दी गई पूरी तरीके से, लगता है? आज थोड़ा नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा थे तो इसलिए हम अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। अगले हफ्ते गुवाहाटी में है, फिर फरवरी मार्च में साउथ में करेंगे, तो उसमें वहाँ के आर्टिस्ट ज़्यादा होंगे। पर बिल्कुल इसमें पूरा भारतीय संस्कृति का और पूरे भारत के आपको प्रांतों का और अलग अलग रिलीजन्स का, सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर देखने को मिलता है। जो बच्चे सर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कार्यक्रम कितना इंस्पिरेशनल होगा, क्योंकि अमूमन ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिलता, लेकिन इस मंत्रालय के तरफ से उन्हें इतना अच्छा स्पॉट मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने के। जैसे आज हमें खुशी ये बात इस बात की भी है कि कई कलाकार पहली बार दिल्ली में आकर उन्होंने प्रदर्शित किया। अपने राज्यों में, अपने शहरों में तो करते रहते हैं, पर दिल्ली में, भारत की राजधानी में उनको आने का पहली बार मौका मिला, तो ये उनके लिए भी एक ज़िंदगी का मतलब एक पार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस रहेगा और उनको उत्साह भी देगा, तो वापस जाके और अच्छा अपना और खुशी से और उत्साह से काम करेंगे। आपका? तन्वीर। ओ तन्वीर, कितने साल के हो आप? 8 साल। आज आपने क्या परफॉर्म किया? डांस किया? ओके। और आप गाना भी गाते हो? नहीं गाते। अच्छा, डांस करते हो? कौन सिखाया है? मेरी सिस्टर ने सिखाया। ओके। और मामा भी घर पे सिखाती हैं? नहीं सिखाती हैं। यहाँ आके कैसा लगा बेटे? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप आए थे, किस जगह से आए हैं? फरीदकोट। फरीदकोट से आई हैं? पंजाब में चक्की बार से। कितनी तैयारी करी थी आपने इस भांगड़े को लेकर, गिद्धा को लेकर, कितनी तैयारी करी थी आपने? बहुत तैयारी। अच्छा, तो हमेशा करते रहेंगे आगे भी? यहाँ आके अच्छा लगा? अब आगे भी ऐसे करोगे डांस? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे बताइए, मोदी जी के लिए क्या कहना है आपको? थैंक यू। चलो ठीक है। आपका? सांची। बहुत सुंदर लगा। क्या किया आपने आज? डांस किया था। ओके। बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा प्राउड फीलिंग हुई। अच्छा, इससे पहले कहीं किया था आपने? नहीं, इससे पहले मैं नहीं गया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके। कितनी तैयारी करी थी आप लोगों ने इसको लेकर? बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी। कब से तैयारी? तो बस 2-3 दिन से ही कर रहे हैं।
अच्छा, कहाँ से आया हुआ? मैं लक्ष्मीनगर से। ओके, अब आज इस तरह का मौका मिला, अब आगे भी ऐसे मौके मिलेंगे तो करोगी आप? क्या क्या कठिनाइयाँ आई डांस परफॉर्म करने में? तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी पीजी था। मतलब एंजॉय किया? चलो ठीक है।